लेक्चर नंबर 11 द हार्मोनिक मीन। द हार्मोनिक मीन एच ऑफ अ सेट ऑफ एन वैल्यूज एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन इट डिफाइन द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। इसमें क्या करेंगे कि हर वैल्यू रेसिप्रोकल लेंगे हम वन बाई एक्स वन, जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सोन एक्स एन तक वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे, वन ओवर एक्स वन प्लस वन ओवर एक्स टू अप टू सोन वन ओवर एक्स एन और डिवाइडेड बाई एन कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करें तो एन ओवर सम वन ओवर एक्स आई आ जाएगा। हार्मोनिक मीन इज अ अप्रोप्रिएट टाइप टू यूज इन एवरेजिंग सर्टेन टाइप ऑफ रेशियो और रेटिंग चेंज। जब हमें रेशियो या रेट इन चेंज में फाइंड करनी हो वैल्यू तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। जैसे 30 km एट 20 km बाय आवर ड्यूरिंग द सेकंड 30 km एंड एट 25 km पर आवर, मतलब km पर आवर ये एक रेशियो को शो कर रहा है तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे। इस तरह से 1/15 प्लस 1/20 1/25 ये रेशियो की वैल्यूज हैं, उनको हमने वन ओवर में लिखा। उन थ्री इसके नीचे था, मतलब नंबर के थ्री वैल्यू थी, थ्री ओवर रेसिप्रोकल वाली वैल्यू को ऐड करेंगे और 3/0.15667667 करेंगे 19.15 आंसर आ जाएगा। When data are expressed as s per y and x is constant, the harmonic mean is required. But if y is constant, the harmonic mean is required. ओके, यहाँ पे क्या है, अगर हमारे लिए ग्रुप डाटा हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एक्स वन से पे डिवाइड करेंगे प्लस फ्रीक्वेंसी टू को एफ़ टू को एक्स टू पे डिवाइड करेंगे प्लस एफ़ के को एक्स के पे डिवाइड करेंगे, फिर ओवर डिवाइडेड बाय एफ़ वन प्लस एफ़ टू प्लस अप टू सोन एफ एन करेंगे एंड डिवाइडेड बाय सम एफ़ वन बाय एक्स आई करेंगे। और अगर हमारे पास वेटेड हार्मोनिक मीन हो देन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू इन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इंटू वन बाय एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू वन बाय एक्स टू अप टू सोन डब्ल्यू एन वन बाई एक्स एन कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास वैल्यूज गिवन है वेटेड की और फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे हम पहले वेट लिखेंगे 65 टू 84, 85 टू 104, 105 टू, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ये मीन की वैल्यू, इनका मीन लेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो लिखेंगे, और एफ आई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो राइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को वन ओवर एक्स आई की वैल्यू पे से मल्टीप्लाई कर देंगे और एन ओवर सम एफ आई एक्स आई करेंगे। एफ एन की वैल्यू क्या है, 60/0.53044 और ये 113.11 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर नीचे एक्स आई और एफ आई की वैल्यू दी गई है, एक्स आई लोग लेंगे हर एक्स आई की वैल्यू का और उसे एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वन ओवर एक्स आई करेंगे और अब वन ओवर एक्स आई की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम पहले लोग लेंगे, लोग जी इक्वल टू वन बाई एन सम एफ आई लोग एक्स आई, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को 82.50671 को 88 पे डिवाइड करेंगे 0.93758 आ जाएगा और फिर एंटी लोग लेंगे 8.66 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन में हम क्या करेंगे, एन ओवर सम एफ आई वन बाई एक्स आई करेंगे, 88/10.50667 करेंगे 8.38 आ जाएगा। मीडियन में क्या है, द मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू वी डिवाइड अ डाटा सेट इनटू हैव बीन ऑर्डर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट। मतलब मीडियन क्या होता है कि हमारे पास एक डाटा सेट है उनको उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और उनके बिल्कुल मिड में जो वैल्यू आ रही है उसे मीडियन लेना है। अगर इवन नंबर हो तो हम इस तरह इवन नंबर हो तो वन वैल्यू मिड वाली वन वैल्यू को लेंगे, ऑड नंबर हो तो मिड वाली वन वैल्यू को लेंगे, इवन हो तो मिड वाली टू वैल्यू को लेकर उनको टू पे डिवाइड करके मीडियन फाइंड करेंगे। अगर आगे हम देख लेते हैं, थर्ड द सिंपल मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एक्स वन एक्स टू है और ऑर्डर किया गया स्मॉलर टू लार्जर और मीडियन वैल्यू इनकी एन अगर ऑड है द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यू वैल्यू इफ़ एन इज इवन, कि अगर ओड हो तो एक वैल्यू मिड वाली और अगर इवन हो तो दो वैल्यू मिड वाली लेंगे। और यहाँ पे एन बाय टू इज़ नॉट एन इंटीजर और मीडियन क्या होगा, एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, और एन अगर इंटीजर हो तो मीडियन एवरेज क्या होगा, एन बाय टूथ प्लस एन एन बाय टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन और फिर उसे डिवाइडेड बाय टू कर देंगे। यहाँ पे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सिंस बी डी एम इक्वल टू बी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल बी डी, अच्छा यहाँ पे टू ट्राइंगल बनी है, एक बी डी एम है और एक है बी बी डी और बी ई एफ बी ई एफ, ये दो ट्राइंगल है, एक स्मॉल है एक लार्जेस्ट है। अब हमने प्रूव करना है बी डी इक्वल टू बी ई एम बी ई डॉट डी एम ओवर ई एफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ई डी इसकी विल्थ है क्लास इंटरवल की कंटेनिंग मीडियन एंड हेंस इट इक्वल टू बी डी एम इक्वल टू एन बाय टू माइनस ए बी। ओके, यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला दिया गया है कि जब ग्रुप डाटा हो देन हम क्या करेंगे, एल प्लस एच बाई एफ एन बाय टू माइनस सी, और इसमें क्या है, एल इसकी
लोअर क्लास बाउंड्री है, एच इसमें इंटरवल है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, टू डिवाइडेड बाय टू करना है, माइनस सी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास से ऊपर वाली वैल्यू की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्वार्टल में क्या होता है, क्वार्टल में हम ये करते हैं कि हमारे पास एक डाटा होता है, उसे थ्री पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो उसे क्वार्टल कहते हैं। मतलब हमने पहले Q1 फाइंड करेंगे, वो 25% को शो कर रहा है, फिर मीडियन फाइंड करेंगे Q2, वो 50% को एरिया कवर कर रहा है, और देन 75% एरिया कवर करने के लिए Q3 फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से पर्सेंटाइल है, उसमें क्या करेंगे, एक डाटा को 100 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और डिसाइल इससे पहले फाइंड आउट करेंगे D1 D2 अप टू D10, वो 10 तक इसे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और इसके बाद डाटा को जब 100 पार्ट में डिवाइड करना हो देन P1 P2 P3 अप टू सोन फाइंड आउट करेंगे। अब हम देख लेते हैं ग्रुप डाटा के केस में क्या होगा। इसमें jth बाय, ये देखें, जब यहाँ पे jth बाय 100 है, jth बाय 100 प्लस 1 है इधर, ये क्योंकि सिंपल डाटा के लिए है। जब इसमें ये एग्जांपल से समझ लेते हैं, हमारे पास 9 स्टूडेंट है, 45, 32, 37, 46, और हमने n बाय 2 फाइंड आउट करना है, n बाय 2 प्लस 1 करेंगे 39 आएगा, n बाय 4 प्लस 1 करेंगे n बाय 4 आ जाएगा, इस तरह से 39/4 फाइंड आउट करेंगे। इस तरह एक और एग्जांपल है, इसमें नंबर दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है, n प्लस बाय 2 प्लस 1 करेंगे, 25th के लिए n बाय 2 करेंगे, और 26th के लिए n बाय 2, ये इसका मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मीडियन वैल्यू आ जाएगी। जब n बाय 4 करेंगे प्लस 1 तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, और n बाय 4 करेंगे तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से एक और एग्जांपल है, ये ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, हमने L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी करना है, और ये इसमें क्या आएगा, L इसमें लोअर बाउंड्री, मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री, मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री जो है 59.5, यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं 59.5 टू 69.5 की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मीडियन क्लास है, तो यहाँ पे L आएगा, ये 59.5 प्लस H लिखेंगे, इनमें कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है वैल्यूज़ में, 59 टू 69, क्योंकि 10 वैल्यू का डिफरेंट है, तो H 10 आएगा। फ्रीक्वेंसी इसमें 304 आएगी, क्योंकि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 304 है। टोटल N इसमें है 905, टोटल एन इसमें है 905, और इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 452.5 आ जाएगा, माइनस ये तो मीडियन क्लास है 304, उससे ऊपर वाली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 285 यहाँ लिख देंगे। इसे सोल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 65 मार्क। इस तरह Q1 फाइंड करेंगे, बाकी सिमिलर फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इसमें n बाय 4 आ जाएगा। पहले हमने n बाय 2 किया था मीडियन के लिए, Q1 के लिए n बाय 4 करेंगे, n बाय 4 करेंगे तो 905 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 226.25 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 226.25, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो मॉडल क्लास की ऊपर वाली, यहाँ पे मॉडल क्लास 190 है, तो उसके ऊपर वाली 295 इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसी तरह से हमने ग्रुप डाटा में 3n करना है, 3n बाय 4 करेंगे तो 3 × 905 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा हमारे पास 678.75, और इससे ऊपर वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 589 है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास बन रही है 211 की, इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव 589 है। बाकी सिमिलर फॉर्मूला, बाकी सारी वैल्यू सिमिलर रहेंगी। मोड में क्या होता है, मोड में ये होता है कि अगर हमारे पास एक डाटा है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू मोस्टली रिपीट हो रही है, बहुत ज़्यादा बार आ रही है, उसे हम मोड कहते हैं। इस तरह से अगर हम 1, 5, 4, 9, 4, 3, 4, 8 आए, तो 4 इसमें ज़्यादा बार रिपीट हुई है, उसे मोड कहते हैं। और जब ग्रुप डाटा हो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोड के लिए मोड का वैल्यू होती है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। यहाँ पे क्या है, L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री और मॉडल क्लास, मॉडल क्लास पहले दिख रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मॉडल क्लास है, वो उसे L लिखेंगे, उसकी लोअर बाउंड्री L, और एफ एम इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी वो मॉडल क्लास, एफ वन आएगा फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द क्लास प्रसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से पीछे वाली है, और एफ टू आएगा जो मॉडल क्लास से आगे वाली एक वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी, और एच होगा विड्थ ऑफ द इंटरवल। मॉडल क्लास में क्या आएगा, एल प्लस एफ टू बाई एफ वन प्लस एफ टू इंटू एच,
और यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यूज है मोटर क्लाउड में एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन इंटू, यहाँ पे वैल्यू पुट की गई है, एल 59.5 था प्लस 304 माइनस 190 किया और डिवाइडेड बाई 304 माइनस 190 प्लस 304 माइनस 211 इंटू 10 65 इसका आंसर आएगा। इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड क्या है, मीन मीडियन मोड के दरमियान रिलेशनशिप है वो एक हम एक यानी अगर ये एब्सोल्युटली सिमेट्रिक हो इनके दरमियान रिलेशनशिप बनता है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये इसके दरमियान रिलेशनशिप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हो तो तीसरी हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोड किसके इक्वल आएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। देन द बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट में क्या है, द बॉक्स प्लॉट विच आर ग्राफिकली वेरी सिंपल आर बेस्ड ऑन द मीडियन अ मेजर ऑफ लोकेशन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करता है। मेजर ऑफ डाटा विजिबिलिटी, देर आर इंफॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव कंपेयरिंग टू और मोर डाटा सेट। अ बॉक्स प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड बाई ड्राइंग अ रेक्टेंगुलर द बॉक्स विद द एंड कॉल द हायर ड्रा एंड द लोएस्ट एंड अपर क्वार्टाइल द मीडियन ऑफ द डाटा इज शोन बॉक्स यूजली बाय ए प्लस साइन। यहाँ पे ए से शो किया गया, मतलब ये क्यू वन और क्यू थ्री तक गया है और ये इसे इनमें क्या है कि इसे क्यू वन और क्यू थ्री तक लिखा गया। यहाँ पे मीन वैल्यू थी मिनिमम, फिर क्यू वन है, फिर इसका बॉक्स बनाया गया क्यू थ्री तक और फिर मैक्सिमम वैल्यू था। द मीडियन ऑफ द डाटा इज शोन इन द बॉक्स यूजली बाई ए, इसकी जो मीडियन वैल्यू है उससे ये प्लस के साइन से शो किया गया है। द स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम ईच हैंग टू द मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर एक लाइन ड्रा की गई है। द एंटायर डाटा इज अ ग्राफ इज कॉल्ड अ बॉक्स एंड विस्कल प्लॉट। If one whisker is longer, अगर एक whisker longer हो, the distribution of the skewed in the direction of the longer whisker, तो ये skewed हो जाएगी longer whisker की तरफ। The box given below represents the distribution of exhibited makes example 3.13। यहाँ पे रिलेटिव मैट्रिक्स एंड न्यूमैट्रिक्स ऑफ वेरियस एवरेज, यहाँ पे एवरेज के की क्या उनकी बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो लिखे गए हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन आर इट इज रेजली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आराम से शो कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है, इसे कैलकुलेट करना सिंपल है और इसे ये बहुत एवरी काइंड ऑफ डाटा पर अप्लाई हो जाती है। और इसके बाद क्या, ये फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग है, इसके अलावा ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। और डिसएडवांटेज क्या है, इट इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय स्ट्रीम वैल्यू, कि अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आए तो पूरे डाटा को इफेक्ट करती है। उसके अलावा कंक्लूजन में कोई फॉल्स आ सकते हैं, ये हाईली सिक्योर्ड हो तो ये अप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल हमें सही एवरेज नहीं देगी, क्योंकि अगर हाईली सिक्योर्ड हो तो एक ही तरफ जा रही होगी, मीडियन वैल्यू हमें एवरेज सही नहीं देगी। इट इज ग्रुप हैव द ओपन एंड मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद एज्यूमिंग अ लिमिट, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या है कि ये रिजिडली डिफाइंड बाई मैथमेटिकल फॉर्मूला से आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है और ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी नहीं अच्छा होता। इट ये गिव वेटिज टू ऑल ऑब्जर्वेशन, ये तमाम ऑब्जर्वेशन को इक्वल वेट देता है। इट इज नॉट इफेक्टिव बाई सैंपलिंग वेरिएबिलिटी, सैंपल वेरिएबल हो तो ये इफेक्ट नहीं करता। और ये इट इज अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ यूज इन केस रेटेड ऑफ रेट्स ऑफ चेंज और रेशो, ये रेशो और रेट्स के लिए बहुत अच्छा है मेथड है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें। और इसकी डिसएडवांटेज है कि इट इज नेदर इजी टू कैलकुलेट नॉट टू अंडरस्टैंड, ये इसे कैलकुलेट करना इजी नहीं है। इट वेनिश इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, अगर ऑब्जर्वेशन जीरो हो तो ये पूरा डाटा ही, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ये जीरो हो जाता है। इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू इट कैन नॉट बी कंपेयर एट ऑल, कि नेगेटिव वैल्यू हो तो इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। हार्मोनिक मीन के एडवांटेज है, इट इज रेजली डिफाइंड बाई मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से डिफाइन होता है, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है और ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए इजीली अवेलेबल होता है और ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता सैंपलिंग वेरिएबिलिटी पे कि सैंपल कितना वेरी कर रहे हैं। और ये एवरेज रेट और रेशो के लिए ये भी अप्रोप्रिएट है, मतलब ये भी अच्छा मेथड है यूज़ करने के लिए। और डिसएडवांटेज है कि इसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसे नहीं कैलकुलेट कर सकते जब ऑब्जर्वेशन जीरो हो, और ये बहुत ज़्यादा वेट देता है, टू मच वेट टू द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन, स्मॉलर को बहुत वेट देता है। मीडियन की क्या है, ये कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना इजी है
और ये क्या है, इट इज़ नॉट कैपेबल क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट, और ये स्ट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं करती। इस पर कोई स्ट्रीम वैल्यू हो तो ओपोनेंट क्लास में हो तो हम इसे इट कैन कंप्यूटेड इवन वैन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल अपर क्लास, क्योंकि हमने पास मिड बड़ी वैल्यू लेनी है, और ये हाईली सिक्योर्ड द मीडियन इज अप्रोप्रिएट एवरेज टू यू। जब हाईली सिक्योर्ड वैल्यूज हों देन ये बहुत बेनिफिट है मीडियन। इट इज़ नॉट इजिली डिफाइंड डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट कैपेबल लीडिंग इटसेल्फ टू फर्दर स्टैटिकल ट्रीटमेंट, इसके ऊपर और ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई कर सकते। इट नेसेसिटी टू अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अरे विच कैन बी टेंडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ओके, मोड की क्या है कि मोड है एडवांटेज है कि ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्ट्रीम वैल्यू इजी टू सेलेक्ट। मोड इट इज नॉट इफेक्टिव बाय अबनॉर्मली लार्ज या स्मॉल, मतलब कोई वैल्यू बोर्ड अबनॉर्मली लार्ज या स्मॉल हो मोड पे इफेक्ट नहीं करता। मोड के लिए सिर्फ ये है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम आए या जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है वो मोड हो जाते हैं, और इसे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा पे यूज़ कर सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस हैं कि ये डिसएडवांटेज है कि ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है और इनडिटरमिंड है, इनडिफाइंड है, और इसमें ऑब्जर्वेशन इसकी बेस पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। इट इज नॉट कैपेबल ऑफ लैंडिंग इटसेल्फ टू फर्दर स्टैटिकल ट्रीटमेंट, और स्टैटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू द मोड मे नॉट एग्जिस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।